हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज के डेट में मतलब कि कल जो 30 मई का दिन था, फाइनली बिहार पीएससी के सेवेंथ फेज के शिक्षक भर्ती के एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत बड़े अमाउंट में ये वैकेंसी होने वाली है। लगभग 1,70,000 पदों पर ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं भैया, एकदम कमर कस कर हुआ लोग तैयारी में लाग जाए लोग, क्योंकि ये मौका बार बार नखे मिले वाला। तो बस इतना है कि आप देख सकते हैं कि कक्षा एक से लेके पांच तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लगभग 79,943 पोस्ट आए, मतलब लगभग 80,000 पद आपके प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए आए हुए हैं। वहीं पर जो नवी और दसवीं कक्षा की है उसके 32,916 पद, मतलब लगभग 33,000 पद आपके नवी और दसवीं के शिक्षकों के लिए हैं। और 11वीं 12वीं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसके 57,602 पद हैं, मतलब कि पदों की यह संख्या इतनी बड़ी है जितना शायद इतिहास में, आज तक भारत के इतिहास में इतने लार्ज स्केल पे वैकेंसी शिक्षक भर्ती शायद ही कभी हुई होगी। क्या है इस वैकेंसी में खास, कैसे हमारी रणनीति रहेगी, किन किन सेक्शन पे हम लोग को क्या क्या पढ़ाई करनी है, योग्यताएं क्या मांगी गई है, उम्र की सीमा, इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग आप लोग को इस वीडियो में कवर करेंगे। और पढ़ाई कैसे करना है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम दिया है। 19 अगस्त को आपका पेपर चालू हो जाएगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आज से ठीक आपके हाथ में 75 दिनों का ही समय है। तो इन 70-75 दिनों में ही क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए ताकि हम सफल हो जाए, एक सरकारी पद हमारा हो जाए, उसके लिए ये सारा वीडियो आप लोग को अंत तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग मरुआ लोग शेयर कर हम लोग, ठीक बा। चलिए बात कर जाओ पहले एग्जाम फॉर्म भरे के। तो जो एग्जाम फॉर्म है उसको याद रख लीजिए कि एग्जाम फॉर्म आप लोग का भरा जाएगा, जो एग्जाम फॉर्म वो 15 जून से लेकर आप लोगों का 12 जुलाई तक भरा जाएगा। 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक इस डेट को याद रख लीजिए और आप लोग कोशिश ये कर हम लोग कि शुरू में फॉर्म भरा जाओ, काहे कि बाद में सर्वर के बहुत इश्यू होला, लाखों लाख एस्पिरेंट, अरे जहां 1,70,000 पद आयल हुई मुझे समझ सकते हैं कम से कम 8 से 10 लाख लोग तो पार्टिसिपेट करी, तो सर्वर ना डैमेज हो जाओ, इससे अपन जल्दी अपन फॉर्म भर के रख ले लोग, अदरवाइज अलग अलग जिला में जा एग्जाम सेंटर पड़े लगेला, नुकसान हो जाला। शुरू में आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, 15 जून से आप लोग का एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होगा, 12 जुलाई तक ये चलेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल हमारे बिहार पीएससी के जो चेयरमैन है शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जो शायद अभी तक इससे पहले जो चीजें होती थी उससे कुछ नया देखने मिलेगा, आज हम उस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पदों का जानकारी दे दिया कि इतने लार्ज स्केल पे आप लोगों का ये वैकेंसी होने वाला है, कुल लगभग 1,70,000 पद इस बार देखने मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा मान के चलिए कि इससे सुनहरा अवसर शायद ही आपको जीवन में मिलेगा एक शिक्षक पद बनने का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेंगे आवेदन शुल्क की तो आवेदन शुल्क में देख लीजिए कि केवल वही आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म को भरने के लिए केवल व केवल बिहार के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, केवल वही कैंडिडेट इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को सीधे सीधे यहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केवल ये वैकेंसी बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए है और उसमें भी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग है उनके लिए फॉर्म का जो शुल्क है केवल 200 रुपए है। सामान्य वर्ग के पुरुष और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए रखा गया है। तो एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म, सॉरी एग्जाम कब से खुलेगा फॉर्म और उसका फीस क्या रहने वाला है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो सबके मन की सवाल होती है कि सर सैलरी कितनी रहने वाली है, तो सैलरी देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग श्रेणी में शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहला आप लोग का कक्षा 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर्स रहेंगे जिनका जो वेतन मान रहेगा मूल वेतन वो 25,000 प्रतिमा रहेगा और इसमें भत्ते अलग से जुड़ेंगे। तो मान के चलिए कि इन हैंड आपकी सैलरी 30,000 के ऊपर ही चले जाती है बेसिकली, पर मान के चलिए मूल वेतन हमको 25,000 दिया है प्लस इसमें भत्ते जुड़ेंगे और एवं अन्य अनुमान्य भत्ते स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार ये पूरी चीजें अनुमान्य रहेंगी। और जब बात करेंगे द्वितीय श्रेणी की, मतलब की कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक के जो शिक्षक हैं
उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतनमान रहेगा वह 31,000 प्रति माह प्लस भत्ते जोड़कर आप लोग का बेसिक सैलरी तैयार की जाएगी। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है इसका जो वेतनमान रहेगा प्रति माह 32,000 रुपए और साथ में अन्य भत्तों की आपको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कुल मिला जुला के एक चीज है कि ओवरऑल एक ठीक ठाक सैलरी पे ये वैकेंसी होने वाली है। मौका है सरकारी पद पर आसीन होने का, जो कि बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का भी विषय रहता है। और इतनी लार्ज स्केल पे ये वैकेंसी हो रही है तो भैया आपकी बार आखिरी बार चूकिया मत हमारे यार, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट है आयु सीमा की अगर बात करेंगे सर, तो आयु सीमा याद रखिएगा, कल बिहार पीएससी के चेयरमैन द्वारा यह बताया गया था कि आयु सीमा 1 अगस्त, एक्चुअल में ये अगस्त 2023 से कंसीडर की जाएगी और वहां पर सॉरी 1 नवंबर को इसका कट ऑफ जारी किया जाएगा। और 1 अगस्त 2023 के अनुसार देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1 अगस्त 2023 के अनुसार वे सारे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, कितनी है सर 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु जो रहेगी वो लगभग आप लोगों को यहां पर 42 वर्ष के या 40 से 42 वर्ष के आसपास मानी गई है, जिसमें जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 37 साल रहेगी और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 वर्ष, और महिला एवं पुरुष जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आते हैं उनके लिए 42 वर्ष। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, 37 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है और जो हमारे मिनिमम एज लिमिट है वो 18 वर्ष रखी गई है। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अपना, या जो अलग अलग जो हमारी टीचर्स की जो वैकेंसीज है 3 श्रेणी में हो रही हैं, उनकी अलग अलग योग्यता एवं अर्हताएं हैं, उन पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी किस किस फॉर्म को भरने में केपेबल हैं, ठीक है। अच्छा, आयु सीमा में अगर छूट की भी बात करेंगे तो नियोजित शिक्षक व टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लॉज सामने आप लोग को दिख रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने टीईटी या एसटीईटी क्लियर कर लिया है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, सभी की परीक्षाएं एक ही दिन एक ही साथ 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 और 27 अगस्त को होनी है। पंचायत और नगर निगम निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है। जो लोग पहले से आपके वर्किंग प्रोसेस में है उन लोग के लिए एज लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मान के चलो कि फिर ऐसा रहेगा तो कुल मिला जुला के लगभग आप मान के चलो कि 45 से 50 वर्ष तक के भी आवेदक इसमें आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता में एससी एसटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% का छूट मिलेगा। अर्हतांक में 5% का छूट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जब आप लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें बोला गया है कि कक्षा 12 पर आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, पर अगर आप इस वर्ग से आते हैं तो उसमें भी आपको 5% का छूट मिल जाएगा, मतलब 45% पे काम चल जाएगा। वही जब आप लोग 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के शिक्षक के लिए जब आप भर रहे हैं तो उसमें आप लोग के ग्रेजुएशन लेवल पे या आप लोग के मास्टर्स लेवल पे वहां पर आपके 45-50% का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, जिसमें 5% रिजर्व्ड कैंडिडेट को क्या मिलेगा, अर्हतांक में छूट मिलेगा। मतलब जो 50 पे काम होना है वो 45% पे हो जाएगा, जो आपके यही बस ये सारी चीजें जो 45 पे होना है वो 40% अर्हतांक के साथ भी वो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपेयरिंग कैंडिडेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात कल सामने निकल के आई है प्रेस रिलीज में कि वे छात्र जो अभी बीएड बीलेड या अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने अंतिम वर्ष में हैं, क्या वे छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि वे छात्र आवेदन नहीं कर सकते, परंतु कल जो भी हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अपेयरिंग छात्र भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, पर वो अंतिम वर्ष में हो। और इसमें 2 कंडीशन लगाई गई है कि 31 अगस्त तक उनका क्या होना चाहिए, एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी अंतिम जो हमारे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप सीटेट का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वो भी जो अभी सीटेट का एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्जाम आप लोगों को पता है जुलाई में होगा, अगर आपका 31 अगस्त तक एग्जाम कंडक्ट हो चुका है तो आप अपने एडमिट कार्ड को दिखा के भी एग्जाम में बैठ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सामने आया है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सीधे 30 से 35 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा,
जो लोग अभी क्या है अध्ययनरत हैं, अंडर ग्रेजुएशन में या अलग अलग डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो बस ये वही बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो फाइनल सेमेस्टर में है वो लोग भी बिल्कुल पार्टिसिपेट करना जिनकी एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी होगी। तो अपीयरिंग कैंडिडेट को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिसमें यह बताना होगा कि उनकी पात्रता संबंधी परीक्षा निर्धारित तिथि तक संपन्न हो जाएगी, 31 अगस्त तक संपन्न हो जाएगी। यह अवसर बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट एवं एसटेट जैसे सभी वांछित शैक्षणिक योग्यता या पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी निर्धारित तिथि तक संबंधित परीक्षा संपन्न हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिएगा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सिलेबस रहेगा सर, जो हमारा माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो हमारे विद्यार्थी हैं, मतलब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, तो उसका सिलेबस आप लोग का एनसीईआरटी का ही सिलेबस होगा। और जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाई आप लोग को आपका जो राज्य सरकार की जो शैक्षणिक बोर्ड होती है एससीईआरटी स्टेट बोर्ड वाला, उसके अकॉर्डिंग आप लोग के सिलेबस को निर्धारित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट ये है कि 9वीं 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है उनको एनसीईआरटी वाला सिस्टम एडॉप्ट करना है। हमारी क्लास जीत फाउंडेशन जो क्लासेस चलती हैं, जिनका मान के चलिए कि बहुत बहुत सारे राज्यों में कहना चाहिए कि रिकॉर्ड रिजल्ट हम देते हुए आ रहे हैं, और साथ ही में हजारों हजार बच्चों का हमको प्यार मिल रहा है, लगातार ये परिवार बड़ा होते जा रहा है। तो हमारे ऐप पर भी जो 9th 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इसमें आपको पता है कि जो पेपर होगा वो 2 कैटेगरी में कराया जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैंने पिछले क्लास में भी इसका एक वीडियो बनाया था कि 1-2 पेपर हम लोग को, चाहे आप वर्ग 3 का दीजिए या वर्ग 2 का दीजिए, मतलब आप 9वीं 10वीं का दीजिए या आप लोग आप पीजीटी टीचर 11th 12th के लिए दीजिए, पेपर 2 है। पहला पेपर में आप लोग को इंग्लिश प्लस हिंदी या बांग्ला या उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के 100 प्रश्न आएंगे। और याद रखेंगे दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर एक चीज आप लोग को अटेंटिवली ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप लोग को मिनिमम 30% मतलब 30 मार्क्स स्कोर करने जरूरी हैं। जिसके 30 मार्क्स स्कोर नहीं होंगे उसका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। और जो पेपर 2 है इसे फिर 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। जो प्राइमरी वाले स्टूडेंट है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि आपका टोटल 150 नंबर का, इसमें टोटल 150 प्रश्न आने थे 150 नंबर का, पर वहां भी एक नया सिस्टम आया है, 120 क्वेश्चन कर दिया गया है। पहले जो 150 क्वेश्चन थे अब उसको 120 क्वेश्चन किया गया है। जो प्राइमरी वाले हैं वो तो पूरे 120 का 120 मान लीजिए आपका जीके जीएस आ जाएगा, पर जो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट है, जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है, इनका 2 पेपर होगा। एक 80 मार्क्स का होगा जो इनका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जैसे मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं तो आपका साइंस का 80 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर में आपका जीके जीएस पूरा मिला के रहेगा, ठीक है। तो बहुत निर्धारक होने वाला है यहाँ पर सारी चीजें। अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। चाहे मान लीजिए अब मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, पीजीटी में केमिस्ट्री के लगभग 4,799 पद आए हैं, मतलब लगभग 4,800 पोस्ट आए हैं। और जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप इतना समझिए कि पीजीटी फिजिक्स मतलब वर्ग 1 फिजिक्स की जो 11वीं 12वीं के शिक्षक हैं और केमिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं, और ये क्लासेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्लासेस हैं। हजारों हजार स्टूडेंट का प्यार मिलता है। अभी मध्य प्रदेश में भी हमने बैचेस को रन किया था, रिकॉर्ड रिजल्ट आया है। जितने भी टोटल पूरे मध्य प्रदेश राज्य से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पात्रता परीक्षा में, उसका 60% बच्चे अकेला जीत फाउंडेशन क्लासेस से हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि रिजल्ट ने रिकॉर्ड मानना चाहिए। और सिमिलरली जो हमारी 9वीं 10वीं की कक्षाएं हैं उसमें मैथ्स का, साइंस का, ये जीएस जीके, ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं। ऑलरेडी मान के चलो कि कंप्लीट सिलेबस आपको जिस दिन आप जीत फाउंडेशन के ऐप से रजिस्टर होंगे, बैचेस में जुड़ेंगे, बैचेस के अनाउंसमेंट में अगले वीडियोस में कर दूंगा, सबसे न्यूनतम शुल्क में सबसे ज्यादा आप लोग को परिणाम देने वाली संस्था जीत फाउंडेशन रहेगी। और लगभग लगभग कंप्लीट सिलेबस आपको पहले दिन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो एक बेहतर परिणाम के लिए अभी जीत फाउंडेशन क्लासेस को इनरोल कर लेना, और ये जो हमारा YouTube चैनल है जीत फाउंडेशन क्लासेस का, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। चलिए दोस्तों, तो कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी इसके अलावा, आप लोग जितना भी ये सब सेक्शन है ये सब हम लोग आप लोगों को कंप्लीट करा के देंगे। कंप्लीट रणनीति के साथ चीजें चलेंगी जो एग्जाम के पैटर्न को मैच करते हुए आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए उपयोगी रहेगी।
तो एनसीईआरटी का सिलेबस का मतलब समझ लीजिए कि आप लोग का 11, 12th कोर एनसीईआरटी है। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप मान के चलिए कि आप लोग जिस दिन जुड़ेंगे, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का मैं वहां पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा वीओडी लेक्चर्स में। इसके अतिरिक्त लाइव क्लासेस नए सिरे से फिर से चालू कर दी जाएंगी, जो डेली बेसिस पे रेगुलर मैनर में होंगी, और उसके टेस्ट, उसके पीडीएफ नोट्स, उसकी सारी की सारी जो चीजें आपको एज ए स्टूडेंट जरूरी होती हैं, 11वीं 12वीं के या 9वीं 10वीं के जो टीचर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो 80,000 पद हैं उनके लिए तो भैया स्पेशल क्लासेस चलने वाली है। तो बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए जीत फाउंडेशन क्लासेस से, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। डेमोस बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप पहले कंटेंट की क्वालिटी को जरूर झांक लीजिए, साइंस का, मैथ्स का, ये सब का जाके वीडियोस देखिए, जीएस का वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, ठीक है? क्योंकि डेमो हर स्टूडेंट का हक होता है, और हम इस चीज को भली भांति समझते हैं कि जो बेस्ट है बच्चे को उसी से जुड़ना चाहिए, और हम रिजल्ट देने में बेस्ट है। हम रिजल्ट नहीं, हम रिकॉर्ड दे रहे हैं। मेरे YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियोस भी होंगे जिसमें आपको साफ साफ बच्चों के कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहती है आफ्टर एग्जाम उनका, ठीक है? कई बच्चे सीधे कहते हैं सर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, मेहनत वैसे चलती है सर, और एक पद के लिए एक ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। जैसे आप मान लीजिए कि अलग अलग सेक्शंस में जो चीजें तैयार करते हैं, तो एक आदमी अलग अलग सब्जेक्ट में फॉर्म फिल नहीं कर सकता। कारण यही है क्योंकि एक ही दिन में आप लोग का पूरा एग्जाम हो जाना है 19 और 20 और 26 और 27 अगस्त के आसपास, तो आप एक ही में भरिएगा जो आपके ग्रेजुएशन के अंतर्गत होंगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मुख्य परीक्षा में, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी सर, याद रखेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि यहां पर यह जो मुख्य परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा यहां पर आप लोग को तैयारी बड़े कंठस्थ तरीके से करनी पड़ेगी, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा 2 घंटों की होगी, टोटल 2 घंटे 120 मिनट में 120 प्रश्न हल करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है वो सारी चीजें आप लोगों को समय के साथ पता चल जाएगा। आयोग का की ओर से यही निर्देश है कि परीक्षा से पहले नेगेटिव मार्किंग का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, ठीक है, या टेक्निकल डिग्रीधारी हैं, वो उनके पास समझ लीजिए कि कंप्यूटर टीचर के लिए यहां पर बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, एक साथ आप लोग देख सकते हैं। और बस इतना है कि आप लोग को मौका बहुत जबरदस्त मिला है, 1,70,000-80,000 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है भैया। ये मौका 2-12 लौट के कभी शायद आने वाली है भविष्य में, इसलिए समय कम भी है तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, जुड़िए जीत फाउंडेशन से और एक बेहतर तैयारी के लिए सामने आइए। बाकी इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और अगर हमने अपना बेस्ट दिया तो परिणाम भी बेस्ट आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज ही यूट्यूब चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और अपने सारे दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। वीडियोस की जो सीरीज है, ठीक है, वो मैं लॉन्च करना शुरू करूंगा। 100-100 क्वेश्चन के मैं तकरीबन 5 से 6 टेस्ट अभी आप लोग को एज अ डेमो प्रोवाइड करने वाला हूं। उसका टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप पर अपलोड होगा, और साथ में उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी, जिसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन के, आपके गणित के, विज्ञान के, बिहार जी के, इंडिया जीएस, ये सब मिला जुला के आपके 100-100 क्वेश्चन के सेपरेट हम लोग पहले आपको टेस्ट देंगे, ताकि आप लोग देख लीजिए कंटेंट की क्वालिटी क्या है, कैसी है, उसके बाद आप लोग बैचेस से जुड़ सकते हैं। और बहुत नॉमिनल चार्जेस में सारी चीजें चलने वाली हैं। बस इतना है कि आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग जीत फाउंडेशन क्लासेस को मिलता रहे। हम अपनी तरफ से कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले, आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि अब की बार, आखिरी बार, चूकना मत यार। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।